हाय स्टूडेंट uh, हमने पिछले वीडियो में बात करा था डू यू फॉलोल के बारे में ओके okay? तो ये इसका सेकेंड पार्ट है जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में बात करा था हेल्थ के बारे में और थोड़ा सा डिजीज के बारे में बात करा था राइट right? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ डिजीज सोर्सेस ऑफ डिजीज में हमने उसमें बात करा था इंट्रेंसिक फैक्टर के बारे में ओके okay? और आज हम बात करने वाले हैं एक्सट्रेंसिक फैक्टर के बारे में राइट right? तो एक्सटेंसिक फैक्टर के बारे में हम जानेंगे और uh, जैसे हम देख रहे थे इंट्रेंसिक फैक्टर क्या थे जो विद इन द बॉडी मतलब डिजीज कॉजिंग जो एजेंट थे वो विद इन द बॉडी यानी कि बॉडी के अंदर ही प्रेजेंट थे और एक्सट्रेंसिक का मतलब होता है कि जो एक्स एक्स मतलब आउटसाइड द बॉडी प्रेजेंट हो यानी कि बॉडी के जो बाहर प्रेजेंट होते हैं तो वैसे पैथोजेंस को वैसे फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं एक्सट्रेंसिक फैक्टर अगर हम इसके डिफिनेशन uh, को थोड़ा सा यहाँ से रीड आउट करें तो द डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स विच इंटर द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम आउटसाइड फैक्टर्स राइट यानी कि जो डिजीज कॉजिंग फैक्टर्स हैं, जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स हैं वो अगर बॉडी के आउटसाइड रह के डिजीज uh, कॉज करते हैं तो वैसे फैक्टर्स को क्या बोलते हैं एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स ओके सो देर आर समर्स यहाँ पे कुछ एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है नंबर वन जैसे है आपका दैट इज ऑन डाइट अगर हम बैलेंस डाइट प्रेफर ना करें तो हमारा हेल्थ खराब हो सकता है जैसे कि हमने देखा था हाउ टू मेंटेन गुड हेल्थ राइट तो अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लें तो हमारा हेल्थ खराब हो जाएगा ओके okay? तो अनबैलेंस डाइट ये डाइट होता कहाँ है बॉडी के आउटसाइड होता है और अगर हम अनबैलेंस डाइट प्रीफर करते हैं सो इन दैट केस हमारा डिजीज सॉरी uh, हमारा हेल्थ क्या होता है खराब हो जाता है ओके okay? तो सेकेंड जो हमारा है सेकेंड सेकेंड फैक्टर अंडर एक्सट्रेंसिक फैक्टर इज डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम सच एज बैक्टीरिया ओके प्रोटोजोम्स फंगी वायरसेस वर्म्स एंडमिन राइट व्हाट इज दैट हेलमिथिस तो ये क्या है जी जर्म्स हैं हैं राइट हैं सॉरी नॉट हैं और ये पैथोजें क्या करते हैं विद इन द बॉडी नहीं आउटसाइड टू द बॉडी लाई करते हैं और बॉडी को अफेक्ट करते हैं यानी कि बॉडी को हार्म करते हैं डिजीज कॉज करते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट्स हैं राइट right? Uh, अगर हम लास्ट में सी uh, नंबर देखें दैट इज दी फैक्टर दैट इज द इन्वायमेंटल पॉल्यूटेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंस में मतलब तो जो पॉल्यूटेंस हमारे इन्वॉर्मेंट को क्या करे पॉल्यूट करें तो ये कहा होते हैं ये होते हैं हमारे आउटसाइड ऑफ द बॉडी और हमारे बॉडी को अफेक्ट करते हैं राइट right? uh, उसके बाद से क्या है टोबैको अल्कोहल नरकोटिक ड्रग्स ये सब क्या है दे इज ऑल्सो उट साइड टू द बॉडी यानी कि ये भी हमारे बॉडी की आउटसाइड लाइक करते हैं लेकिन अगर हम इसका कंजप्शन करें टोबैको का अल्कोहल का नैरकोटिक ड्रग्स का तो ये क्या करते हैं हमारे हेल्थ को अफेक्ट करते हैं ओके तो ये क्या है जो फैक्टर्स है जो हमारे बॉडी की आउटसाइड लाइक करते हैं मतलब बॉडी के आउटसाइड रहते हैं लेकिन हमारे बॉडी के अंदर में जब जाते हैं तो बॉडी को अफेक्ट करते हैं ओके इनके ड्यू टू होने वाले कुछ डिजीज हैं एज एग्जाम्पल दैट इज क्वासिर कोर डेफिस डिजीज है दैट इज uh, अगर ज्यादा कंजप्शन करते हैं फूड का तो ओबिसिटी होता है नाइट ब्लाइंडनेस यू नो वेरी वेल अबाउट इट ओके एस्कर्वी सो ये क्या है एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स और ये जितने भी डिजीज हैं ये कॉज होते हैं ड्यू टू एक्सट्रेंसिक फैक्टर यानी कि इनसाइड द बॉडी प्रॉब्लम से नहीं आउटसाइड से अगर हम अच्छा से कंजप्शन नहीं कर पा रहे हैं तो ये डिजीज हमारे कॉज होते हैं अब फटाफट फट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ डिजीज ओके ये था हमारा कि सोर्सेस ऑफ डिजीज क्या है मतलब कैसे ओरिजिनेट होता है अब क्या है कि टाइप्स ऑफ डिजीज क्या है तो डिजीज ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया यहाँ पे आप देख रहे हो कि फ्लोचार्ट दिखाई दे रहा है तो फ्लोचार्ट में आपको कुछ दिखाया गया है कि डिजीज ब्रॉडली क्लासिफाइड इन टू टू पार्ट दैट इज द फर्स्ट वन इज द कंजेनाइटल डिजीज राइट एंड सेकेंड वन इज द अक्वायर्ड डिजीज राइट डिजीज़ का मतलब होता है कि जो डिजीज सिंस बर्थ प्रेजेंट उसको हम बोलते हैं डिजीज़ और का मतलब होता है जो कि मिले, right? तो uh, यहाँ पे, so uh, you know, तो पे हम थोड़ा सा इसको टॉपिक वाइज करते हैं यहाँ से आप मैंने फ्लो चार्ट इसलिए दिया है ताकि आप शॉर्ट टाइम में इसको रिवाइज uh, कर सको ओके okay? और रिलेट कर सको फर्स्ट so है हमारा कंजीनाइटल डिजीज वैसे डिजीज जो बर्थ से प्रेजेंट हो अगर हम डिफिनेशन को यहां पे देखें तो द डिजीज विच आर प्रेजेंट सिंस बर्थ आर कॉल्ड कंजीनाइटल बर्थ से प्रेजेंट हो ना कि बर्थ के बाद उसको हम बोलते हैं कंजीनाइटल डिजीज द सेकंड पॉइंट अबाउट दिस इज कि दे आर कॉज ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ और माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम यानी कि जो हम जानते हैं जो हमारे जीन्स होते हैं वह एक अरेंज होते हैं एक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं तो अगर उनमें कोई एबनॉर्मिलिटी यानी कि नॉर्मल स्टेट से वह एबनॉर्मल में चले जाते हैं यानी कि डिफॉर्म करने लगते हैं तो उस केस में क्या होता है कि जो हमारे ऑर्गेंस हैं और ऑर्गेन सिस्टम है मतलब हमारे बॉडी का फंक्शनिंग अच्छा से नहीं होता है राइट सो वो क्या करते हैं कंजेनाइटल डिजीज कॉज करते हैं इफ यू लुक द नेक्स्ट पॉइंट अबाउट इट इज की दिस डिजीज मे बी इनहेरिटेड और मे बी पास ऑन टू दिल्ड्रेन यानी कि ये जो डिजीज है यह पेरेंट्स टू प्रोजेन यानी कि पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन माता पिता से बच्चों में पास हो सकते हैं बिकॉज ये बर्थ से होते हैं इनके लिए जींस रिस्पॉन्सिबल है दिस डिजीज आर नॉट इजली क्यूरेबल ये जो डिजीज है वो इजिली क्यूरेबल नहीं है बिकॉज दिज आर रिलेटेड टू जीन्स ये जीन्स के रिलेटेड है इसलिए हमको इसको ईजिली क्योर नहीं कर सकते मैंने यहाँ पे दे रखा है क्लेफ्ट लिप्स क्लैफ्ट लिप्स आप देखे हैं लेकिन आप जानते नहीं हो राइट क्लैफ्ट लिप्स का मतलब क्या होता है जो आपका अपर लिप्स होता है अगर किसी बच्चे का या किसी भी पर्सन का लिप्स ऊपर वाला लिप्स अगर नोज में टच है तो उस डिजीज को हम बोलते हैं क्लेफ्ट लिप्स ओके सेरेब्रल पालसी, सेरेब्रल सेरेब्रल पालसी का मतलब जो पार्ट होता है वह थोड़ा सा चपटा होता है राइट तो इस ये कौन सा डिजीज है कंजीनाइटल डिजीज और यह डिजीज सिंस बर्थ होता है बर्थ होता है ओके द सेकेंड टाइप ऑफ डिजीज इज एक्वायर्ड डिजीज यानी कि वैसी डिजीज जो आफ्टर बर्थ डेवलप हो जो आफ्टर बर्थ जो डिजीज हमें होता है उसको हम बोलते हैं अक्वायर्ड डिजीज ओके एंड इफ यू लुक मोर अबाउट दिस दिस डिजीज 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 इज कैन बी क्योर यानी कि ये जो डिजीज है वो क्योर हो सकते हैं क्योंकि ये जो अक्वायर्ड डिजीज है वो पैथोजेंस के द्वारा होते हैं सिंपल सी बात है राइट क्योंकि पैथोजेंस होते हैं वो आउटसाइड द बॉडी एग्जिस्ट करते हैं जिसके ड्यू टू uh, जब ये हमारे कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमें डिजीज कॉज करते हैं और उनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है राइट right? तो ये पैथोजन से होते हैं। तो ऑन हमारा कम्युनिकेबल डिजीज और दूसरा क्या होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये आप छोटे क्लासों में पढ़ चुके हो राइट यानी कि वैसे डिजीज जो वन सॉरी वन अनहेल्दी पर्सन टू हेल्दी पर्सन ट्रांसफर होते हैं यानी कि वन इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी uh, पर्सन जो डिजीज ट्रांसफर होते हैं वैसे डिजीज कौन बोलते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीज सो अगर हम यहाँ पे इसके डिफिनेशन को देखें अबाउट कम्युनिकेबल डिजीज आई एम टॉकिंग अबाउट कॉम्युनिकेबल तो स्प्रेड फ्रॉम यू कैन सी हियर हिच स्प्रेड फ्रॉम अनहेल्दी मतलब जो इंफेक्टेड है टू अनदर हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कॉम्युनिकेबल डिजीज यानी कि वैसे डिजीज को हम क्या बोलते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं राइट right? नेबाउट इटलॉजिकल जिनको हम पैथोजें ऑलरेडी पड़ चुके हैं इनके बारे में और ये क्या है जम्स हैं जो हमारे बॉडी में डिजीज कॉज करते हैं अभी मैंने बात करा ना कि जो अक्वायर uh, डिजीज है डिजीज uh, uh, में जो कम्युनिकेबल डिजीज है वो किससे कॉज होते हैं पैथोजेन से कॉज होते हैं राइट right? तो हम इसको इजिली क्या कर सकते हैं क्योर कर सकते हैं बट सम ऑफ द केसेज में ये भी डिफिकल्ट हो जाते हैं क्योर नहीं होते हैं कहाँ पर नहीं होते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे ओके okay? तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं कॉम्युनिकेबल डिजीज के दैट इज कॉमन कोल्ड अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ है अगर वो आपके सामने स्नेज uh, करे ओके okay? या कफिंग करे तो फ्यू मिनट्स लेटर कुछ देर के बाद से आपको क्या होगा आपको भी कॉमन कोल्ड हो सकता है राइट right? निमोनिया भी वैसे ही है कोलेरा भी वैसे ही होता है एड्स भी क्या होता है टू अनदर परसेंट मतलब जितने भी यहां पे दिखाई दिखाए जा रहे हैं जितने भी डिजीज के नेम दिखाई दिखाए जा रहे हैं ये यार क्या है कॉम्युनिकेबल डिजीज है राइट right? अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो डिजीज होते हैं वो कैसे स्प्रेड होते हैं राइट right? इनका मीन क्या है हाउ डू दे स्प्रेड ये स्प्रेड होते कैसे राइट right? तो इनके स्प्रेड के लिए नंबर ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉसिबल है तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल एजेंट्स के बारे में यानी कि पैथोजेंस के बारे में ओके यानी कि पैथोजेंस कैसे डिजीज को ट्रांसफर करते हैं राइट right? सो so, जो हमारा फर्स्ट मीन ऑफ स्प्रेड ऑफ इंफेक्शियस डिजीज है वो है इंफेक्शन एजेंट्स यानी कि वैसे एजेंट्स जो डिजीज कॉज करते हैं तो वैसे एजेंट्स को हम क्या बोलेंगे गाइज इंफेक्शन एजेंट्स राइट सो एज न सी इन देशन ऑर्गेजम दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमर अबाउट ह्यूम ओके उनको हम क्या बोलते हैं इन्फेक्शन और जेंट्स और जैसा कि हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं ये पैथोजेंस और अर्जेंट्स के बारे में तो यहां पर आप देख सकते हो नेम बैक्टीरिया वायरसेस प्रोटोजोन्स फोंगी एंड हेलमिंथिस क्या है पैथोजेंस है राइट right? इन्फेक्शन एजेंट्स दिखाई देंगे और दूसरे साइड में आपको यहाँ पे डिजीज दिखाई जाए राइट तो यहाँ से आप रिकॉल कर सकते हो कि कौन सा डिजीज किस पैथोजन से होता है जैसे यहाँ पे फर्स्ट में आपको दिखाया गया वायरसेस और वायरसेस से होने वाले ये थर्टीन डिजीज हैं ओके ये थर्टीन डिजीज हैं जो कि वायरसेस से होती है ओके अगर हम थोड़ा सा दूसरे पैथोजेंस के बारे में देखें तो यहाँ पे सेकेंड नंबर पे टेबल आउट किया गया बैक्टीरिया को और बैक्टीरिया से होने वाले ये डिजीज हैं जैसे टाइफॉइड फीवर हो गया कोलेरा हो गया मतलब ये जो डिजीज है वो किससे हो, हो रहे हैं बैक्टीरिया से हो रहे हैं राइट उसके बाद से अगर हम नजर डालें तो दिस इज द फंगी और फंगी से एथलेट्स फूड रिंग वोम मैनी स्किन इन्फेक्शन ये किससे होते हैं फंगी से होते हैं अगर हम यहाँ पे ध्यान दें प्रोटोजोन के बारे में तो प्रोटोजोन क्या कॉज करते हैं मलेरिया कॉज करते हैं कालाजार कॉज करते हैं ओके

दैट इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन इंफेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड बाई वेरियस मीन सच एज वाटर एयर और सेक्सुअली कॉन्टैक्ट ओके यहाँ पे हमने फर्स्ट में क्या देखा था कि जो of of है, वो इंफेक्शन के द्वारा हो रहा है और दूसरा क्या है हमारा की मीन्स ऑफ स्प्रेड कैसे स्प्रेड हो रहा है राइट right? तो इन्फेक्शियस एजेंट्स के बाद से यह क्या होता है कुछ हमारे नेचुरल फैक्टर्स जो है जो हमारे हम, हमारे लाइफ को सपोर्ट करते

तो मीन्स ऑफ स्प्रेड में हम देख रहे हैं यहां पे कि इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन मीन्स इनडायरेक्टली ये डिजीज कैसे ट्रांसमिट होते हैं सो फर्स्ट इज एयर बॉन्ड डिजीज ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन देर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डिजीज फर्स्ट वन इज एयर बॉन्ड डिजीज एयर बॉन्ड डिजीज का मतलब है कि वैसे डिजीज जो एयर से ट्रांसमिट uh, हो यानी कि एयर से स्प्रेड हो वन पर्सन टू द दर पर्सन राइट तो वैसे डिजीज को बोलते हैं Airborne examples में आपको दिखाई दे रहा रहा पे ये right? uh, uh, ये सब क्या है? Airborne है, right? uh, then after क्या हमारा waterborne disease, तो clear हो हो से bor, आप देख रहे हो, that means कि जो डिजीज एयर से एर के थ्रू हो वाटर मतलब जो वाटर के थ्रू हो तो वैसे डिजीज हम बोलते हैं वाटर बॉन्डिजे राइट यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं जैसे uh, like, uh, कोलेरा टाइफॉइड डायरिया ये सब क्या है वाटर बॉन्ड डिजीज यानी कि जब हम कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करते हैं तो उस केस में हमको वाटर बॉन्ड डिजीज होता है राइट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड सेक्सुअली का मतलब क्या है कि अगर किसी इंफेक्टेड पर्सन के साथ मेल uh, पार्टनर या फीमेल पार्टनर के साथ उसका अपोजिट सेक्स रिलेशन बिल्ड करता है राइट क्वाइटस करता है तो उस केस में डिजीज ट्रांसफर होते हैं और वैसे डिजीज को हम बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, राइट यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज और इस डिजीज को हम एस टीडीज भी बोलते हैं एस टी डीज शॉर्ट फॉर्म में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एग्जाम्पल्स यहाँ पे एड्स है, है गुनोरिया है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम लिस्ट ऑफ डिजीज डिस्कस करेंगे तो राइट देन आफ्टर फोमाइट बोर्न डिजीज फोर्माइट बोन डिजीज का मतलब क्या है कि वैसे डिजीज जो आर्टिकल्स के यूज से यानी कि जो आर्टिकल्स कोई पेशेंट यूज कर रहा है और उस आर्टिकल्स को कोई हेल्दी पर्सन यूज कर ले तो वह ट्रांसफर हो सकते हैं और वैसे डिजीज को हम बोलते हैं फॉर्माइट डिजीज राइट लाइक एज कंजक्टिवाइटिस कंजक्टिवाइटिस मतलब आंख का आ जाना है ना अगर आंख किसी का आंख आया हुआ है मतलब कंजक्टिवाइटिस किसी को हुआ हुआ है और वो कोई आर्टिकल्स जैसे आंख साफ करके किसी टॉयल से रख दे और आप उससे अपना आँख साफ कर लो तो आपको भी कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा देन आफ्टर हैंड माउथ फूड डिजीज हैंड माउथ हैंड माउथ फूड डिजीज का मतलब है दैट uh, इज uh, पैरों में खुजली होना है ना uh, उंग, उंगुलियों के बीच में खुजली होना तो यह वन परसेंट टू पर्सन इजिली ट्रांसमिट होता है और अगर हम अगर वो पेशेंट किसी आर्टिकल्स का यूज कर रहा है आर्टिकल्स यहाँ पे जैसे डोर हैंडल टैब्स का गारमेंट्स का करेंसी गारमेंट का मतलब क्या है कपड़ा करेंसी का मतलब रुपया पैसा अगर उस पार्ट से टच कर रहा है और आप भी उस पार्ट को आ, उस से दैट उस आर्टिकल्स को आप यूज में ला रहे हैं तो आपको वो डिजीज हो सकता है तो वैसे डिजीज को हम बोलते हैं फॉर्माइट माइट बर्न डिजीज देन आफ्टर है हमारा गाइज वैक्टरबर्न डिजीज राइट right? वैक्टरबर्न डिजीज का मतलब क्या है कि वैसी डिजीज जो वैक्टर से हो वेक्टर वेक्टर जैसे मॉस्क्यूटोस फ्लीज लाइक हाउस फ्लाइज यानी कि जो डिजीज किससे हो वेक्टर से हो तो वैसे डिजीज को हम बोलते हैं वैक्टर वीजीज एग्जाम्पल्स में है आपके मलेरिया फेलेरिया ये कौन कॉज करता है वेक्टर कॉज करते हैं राइट मॉस्क्यूटोस क्या है वेक्टर right? है मलेरिया किसके द्वारा कॉज होता है वेक्टर के द्वारा कॉज होता है राइट right? अब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में अभी हम जितना पढ़ रहे थे ना ये सब था हमारा कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में यानी कॉम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है कम्युनिकेबल डिजीज को हम इनफेक्शियस डिजीज भी बोलते हैं ओके और कम्युनिकेबल डिजीज कैसे स्प्रेड होता है राइट right? अब बात करते हैं हम नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज के बारे में यानी कि वैसे डिजीज जो इंफेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन स्प्रेड ना हो ओके तो वैसे डिजीज को हम क्या बोलते हैं नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं ओके और इस डिजीज को हम डिज भी बोलते हैं ओके एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे डायबिटीज अर्थराइटिस हार्ट डिजीज हार्ट डिजीज लाइक एज हार्ट अटैक कैंसर अब ऐसा थोड़ा ना होता है किसी को डायबिटीज है और आप उनके पास बैठे तो आपको भी डायबिटीज हो जाएगा ऐसा थोड़ा ना किसी को अर्थराइटिस हुआ है और आप उनके पास बैठे या उनके साथ हो तो आपको अर्थराइटिस हो जाए ऐसा नहीं है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है या हार्ट प्रॉब्लम है तो आप उनके साथ रहोगे तो आपको भी हार्ट हो जाएगा तो ये कैसे डिजीजेस है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है राइट right? अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है देखा था टेबल में वहां पे कि वैसे डिजीज जिसमें uh, हमारा कोई ऑर्गेन डिजेनरेट कर जाए मतलब खराब हो जाए तो वैसे डिजीज को हम बोलते हैं डिजेनरेटिव डिजीज अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके डिफिनेशन को uh, देखें तो डिफिनेशन समथिंग लाइक कि डिजीजेज विच आर कॉज ड्यू टू माइ ऑफ इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गेंस यानी कि जो ऑर्गेंस हमारे बॉडी के फंक्शन को कैरी आउट करते हैं लाइक एज किडनी हार्ट बोन तो वैसी डिजीज uh, उस uh, वैसे डिजीज जिस किस में किडनी किडनी का फेल्योर हो जाना बोन का अच्छा से फंक्शन uh, ना करना हार्ट का अच्छा से फंक्शन ना, अच्छा ना करना आई का अच्छा से फंक्शन ना करना तो वैसे डिजीज को हम बोलते हैं

जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो ओके? यानी कि जो डिजीज़ किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के लैक के टू होता है उसको हम बोलते हैं डिजीज़। अगर हम इसके डेफिनेशन तो आर 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 कि किसी पार्टिकुलर न्यूट्रिय के लैकिंग के टू हमारे बॉडी में होता है तो वैसे डिजीज को हम क्या बोलते हैं डेफिशियंसि डिजीज बोलते हैं जैसे हमने वहां पे थोड़ा सा देखा था एग्जाम्पल और यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप देख सकते हो दैट इज मैशम एनिमिया ग्वाइटर बेरी बेरी पिलाग्रा ये सब जो डिजीज हैं वो डेफिशियंसी डिजीज हैं यानी कि ये न्यूट्रिएंट्स के लैकिंग के ड्यू टू हमारे बॉडी में कॉज होते हैं राइट द थर्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज और द थर्ड टाइप ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज एलर्जीज

सिचुएशन कॉज होता है हमारे बॉडी के अंदर तो उसको हम क्या बोलते हैं एलर्जी बोलते हैं और जो ये सिचुएशन कॉज करते हैं हमारे बॉडी में उनको हम क्या बोलते हैं एलर्जेंस बोलते हैं यानी कि द सब्सटेंसेस ड्यू टू विच एलर्जी इज कॉज आर कॉल्ड एलर्जेंस राइट तो एलर्जीज के अंदर कितने डिजीज uh, आते हैं दैट इज अस्थमा ओके ब्रोंकाइटिस स्किन एलर्जी ये सब क्या किसके अंदर आते हैं एलर्जीज के अंदर आते हैं राइट तो ये था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन टाइप्स ऑफ डिजीज अब क्या है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन यानी कि कौन सा डिजीज आपके बॉडी के अंदर कितना देर रहता है कितना टाइम रहता है तो उसके बेसिस पे डिजीज के टू टाइप्स हैं पहला क्या है हमारा अक्यूट डिजीज अक्यूट डिजीज क्यूट वाला नहीं बोलते हो ना कभी हाउ क्यूट यू आर तो ये वाला डिजीज नहीं है ये डिजीज क्यूट नहीं होता है यह शॉर्ट पीरियड के रहता है राइट ये शॉर्ट पीरियड के लिए ही रहता है यानी कि कुछ देरों के लिए रहता है कुछ सॉरी कुछ देर के लिए होता है तो वैसे डिजीज को हम बोलते हैं एक्यूट डिजीज और वैसे डिजीज जो कि लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आपके बॉडी में स्टे करते हैं रहते हैं तो वैसे डिजीज को हम बोलते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड अक्यूट डिजीज एग्जाम्पल्स है, है यहां पे

यानी कि जो डिजीज हमारे बॉडी में ज्यादा दिनों तक रहते हैं तो ऐसे डिजीज को क्या बोलते हैं क्रोनिक डिजीज बोलते हैं ओके हैं कैंसर ओके एंड एंड देन देन बहुत से डिजीज हैं बट यहां पे मैंने दो ही सजेस्ट करा है कैंसर और एलिफेंटियसिस जो कि क्या होते हैं लॉन्ग टाइम तक या बोल सकते हैं आप लाइफ टाइम तक आपके बॉडी में अगर एक बार हो जाए तो ये होता है मतलब रहता है इसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं बस थोड़ा सा इसको मेडिसिन के ड्यू टू इनएक्टिव रख सकते हैं तो आज तक का हमारा ये था आज हमने इतना कफर करा अगर हम इसको और करें लेंदी तो आप देख सकते हो अभी ये वीडियो हमारा 24 मिनट भी क्रॉस कर रहा है ओके तो आई होप कि आपने जो अभी पढ़ा वो आपको समझ में आया हो अगर आप नहीं आए तो कमेंट कमेंट कर सकते हैं ओके और इसका मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एज सुन एज इसका पीडीएफ अपलोड कर दूं और इसका पीडीएफ आप फर्दर चेक करना फर्दर चेक करना डिस्क्रिप्शन में जाके और वहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और इसको आप इजिली पढ़ सकते हो ओके मैं ऐसा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि यहाँ से नोट्स भी आप लिख सकते हो अगर वीडियो को पॉज करें तो वहाँ से आप लिख पाओगे राइट अगर आपको एज अ पी फॉर्म चाहिए ओके okay, तो फर्दर चेक करना विद इन टू डेज आई थिंक मैं पब्लिश करूं और एज सुन एज मैं क्लास टेंथ के लिए भी दैट इज द जो न्यू सेशन अभी जो क्लास नाइन्थ से टेंथ में जा रहे हैं उनके लिए भी मैं वीडियो आई होप कि मैं कल से बनाना स्टार्ट कर दूं, दूके okay, और जस्ट स्टडी वेल कोविड के ड्यू टू तो आप घर पे हैं तो घर पे ही रह के आप अपने टाइम को अच्छा से यूटिलाइज करें ये नहीं कि कोरोना वायरस हुआ तो लेट्स इन एंड uh, चलो स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है कोचिंग बंद है तो हमको आराम से बैठना है ऐसा कुछ नहीं है बस आप इसके जरिए इंटरनेट का अच्छा यूज करो और उसके जरिए अच्छा से पढ़ लो राइट तो बस यही हमारा मोटो है कि आप अच्छा से पढ़े ओके अपने टाइम को यूटिलाइज करें नथिंग मोर अगर हम डिस्कस करें तो टाइम दैट इज इज वेरी लेंथी राइट तो गाइज कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इस वीडियो Uh, मतलब आप पहली बार ही वीडियो देख रहे हैं मतलब मेरे चैनल पे पहले बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक भी कर दें और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि आपके सेक्शन में पढ़ता है आपके स्टैंडर्ड में पढ़ता है तो उसको भी शेयर करें ताकि वो भी इससे पीछे ना रहे और उनको भी ये सब चीज़ें पता लग जाए ओके गाइज जय ऑल